We are all chosen to be saints. So we here celebrate this feast of first of the number, by the Father. In fact, church is known as Mother Church. Church is known as Mother Church. So we can have the church too. But this one I really like. She's very sweet. Right. Very sweet girl. Right. She's really nice. Sweet. Huh? Nice. I know my son. He's a lovely boy. And he's always respected my choice. No, you talk to the girl, na? Talk to the girl's family. So on Sunday, Robert and I will come to meet them together. Okay, fine. Right. Yeah. Come, Robert. This is my son, Robert. Hello. This is Christine. This is Fiona. Hello. How are you? I'm good. Okay then. Alright, nice meeting you. Bye-bye. Be ready and take care. Look after yourself. Sure. Bye-bye. Nice people, na? Robert, understand na? Auntie Christine, kya keh rahi thi aap? Something special. You know na? Please understand na, Robert. चले चल लेट्स गो होम मामा रिटायरमेंट के बाद भी आप इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़ लेती हैं मैं एजुकेशन से रिटायर्ड हूं नॉलेज से नहीं नॉलेज इज पावर माय डार्लिंग और ये तुम कपड़ा जमीन पर डालकर नहीं जाना है एज ऑलवेज मेरे को देके जाओ मुझे लॉन्ड्री करना है एक घंटे में ऑफिस कैसा था माँ वेरी बिजी वेरी स्ट्रेसफुल लुक आफ्टर योर हेल्थ ना रॉबी इतना हार्डवर्क क्यों करता है तुम माँ आप अपनी हेल्थ की फिक्र करें मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी ईट समथिंग ना बिफोर यू गो उस्मान का तो वेट करना है ना तुमको no, आज वो नहीं जाएगा आई विल गो अलोन नो स्टॉप वेट रॉबी तुमने आज फिर सिगरेट पिया ना मम्मा वो आज ऑफिस में स्ट्रेस इतना था कि रॉबर्ट ये एक सिगरेट का स्मेल नहीं है इट्स अ बैड हैबिट रॉबी बैड हैबिट छोड़ने में कितना टाइम लगता है जस्ट अ चॉइस ना तुम्हारा मामा सबको बोलता है रॉबी डजंट कीप अ सीक्रेट फ्रॉम मी व्हाट इफ द गर्ल्स फैमिली सेज रॉबर्ट हैज अ बैड हैबिट नॉट अगेन मामा व्हाट नॉट अगेन व्हाई आर यू सो शाय कम हियर आई शो यू समथिंग ना कम हियर सच अ ब्यूटीफुल गर्ल रॉबी जैसे गॉड ने तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़की बनाया देखो ना देखो हाउ ब्यूटीफुल शी इज मामा आपने चूज कर लिया है ना तो बस ठीक है ओके डन ठीक है नेक्स्ट संडे वे गोइंग आफ्टर चर्च टू मीट द गर्ल्स फैमिली एंड वेयर समथिंग नाइस नो वेट आई वाज थिंकिंग कि ये व्हेन आई वॉश इट ना ये शर्ट बहुत ओल्ड हो गया है सो आई एम गोइंग टू गिव इट टू उस्मान है ना ही इज ऑलवेज बोरिंग योर शर्ट्स एनीवे मैम वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा बल्कि आई एम थिंकिंग लेट्स इन्वाइट हिम टू डिनर आज रात को एंड आई एम मेकिंग हिज फेवरेट प्लम केक अच्छा रहेगा ना ओके मैं जिम जाऊँ अब अच्छा गो ना सिली बॉय हर वक्त जल्दी में रहता है यहाँ जाना है वहाँ जाना है कभी मेरी बात सुनता ही नहीं है हेलो मेरा बेस्ट फ्रेंड घर पर है नहीं वो तो जिम गया मैं उस बेस्ट फ्रेंड की नहीं मैं इस बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहा हूँ जिसने सांप सीढ़ी की किस्त मेरे बगैर देख ली बेटा मैंने डिलिबरेटली थोड़ा किया ऐसे टीवी चल रहा था मैंने चैनल चेंज नहीं किया जी जी जनाब मैं सब सुन रहा हूँ और सब समझ भी रहा हूँ तुम ये बताओ कि तुम आज जिम क्यों नहीं गया आज गोलगप्पे खाने का बड़ा दिल कर रहा था सोचा आज अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खाऊं वंडरफुल तुमको मालूम आज रॉबर्ट का भी बहुत दिल किया गोलगप्पा खाने का तो जब भी तो लाया हूँ और ये दिन मैं कर देता हूँ थैंक यू उस्मान आई हेट डूइंग दिस इतना मेरा आईज वाटर करता है अनियंस के साथ एक बात बताओ रोजी आंटी जब तक वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ ना तब तक उस चीज का फायदा उठा लें वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वेट आई शो यू समथिंग
यू नो इतना एक्साइटिंग एक चीज़ हुआ है बट मैंने तेरे को अभी तक बताया नहीं. यू नो दिस इज गर्ल दैट आई हैव सीन, आई एम सो एक्साइटेड. इतना ब्यूटीफुल, इतना फेमिनिन, इतना डेलिकेट. ये देखो कैसा लगेगा इसका कपल रॉबर्ट के साथ. टेल मी ना. बहुत अच्छा. देखा, आई न्यू इट. आई बिन आस्किंग रॉबर्ट ना, कभी सही से नहीं बोलता, कभी ये बोलता है कभी वो बोलता है, बट आई न्यू उस्मान आएगा, उसको दिखाऊंगी. उस्मान विल गिव मी द राइट ओपिनियन. थैंक यू उस्मान, यू आर सो स्वीट, सो सपोर्टिव. कैसा लगा? मजेदार. तुम बनाओ. अच्छा उस्मान, आई बीन थिंकिंग, रॉबर्ट तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, इज ही हैप्पी विद माई चॉइस? बट देन आई थिंक अगर ऐसा कोई बात होता तो वो मुझे बताएगा जरूर. रॉबर्ट डजंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी. फिर आई थिंक तुम मेरा एक काम करो, तुम रॉबर्ट को पूछो ना, अगर तुम मेरा ये काम करेगा ना, आई हैव अ वेरी नाइस गिफ्ट फॉर यू ऑल्सो. ऐसे ही कर दूंगा रोजी आंटी, गिफ्ट की क्या जरूरत है. प्रॉमिस. प्रॉमिस. फजूल का बहाना करके तुमने जिम का छुट्टी किया. इडियट. बहाना नहीं था, जूम मीटिंग थी. सॉरी. तो तुम जा रहे हो? मामा को बताया तुमने? तो कब बताएगा, जब चला जाएगा? कौन जा रहा है, कौन उदास हो रहा है? कुछ नहीं रोजी आंटी, वो बस मामा आपका बेस्ट फ्रेंड उस्मान हमें छोड़कर जा रहा है. कहाँ? वापस अपने घर. क्यों? वो नादिया बाजी की भी शादी हो गई और अम्मी अबू भी गांव में अकेले होते हैं, और वैसे भी मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो यहाँ पे तो सिर्फ रेंट ही ज़ाया हो रहा है. अरे रेंट का बात था तो तुम हमको बोलता. यू आर लाइक माई सन, हम रेंट नहीं लेगा. रेंट की भी बात नहीं है शायद, वो बस घर जाना है. वेल इफ यू हैव डिसाइडेड इट्स ओके, बट वी विल मिस यू. कौन मेरा हेल्प करेगा खाना बनाने में? कौन मेरे साथ अनियंस कट करेगा? अब ऐसा भी नहीं है रोजी आंटी, कुछ टाइम बाद आपकी बहू आ जाएगी और आप भूल जाएंगी मुझे. नो वन विल टेक योर प्लेस. गॉड ब्लेस यू. Hello, best friend. Don't forget to ask Robert. See you tomorrow after church. Good night. हाँ, यू टेल मी व्हेन एवर इट हैपेंस, आई विल बी देयर. या नो प्रॉब्लम, यू टेक केयर, बाय बाय. अरे गुड मॉर्निंग रोजी आंटी. गुड मॉर्निंग. चर्च से आ रही हैं? हाँ, हम जाते हैं ना संडे को होमलेस पीपल को ब्रेकफास्ट देने. वैसे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी रोजी आंटी,
कल रात को रॉबर्ट और मैं एक्शन मूवी देख रहे थे और आवाज़ भी काफ़ी हाई था, तो आपकी नींद डिस्टर्ब हुई होगी ना? नो नो, आई वाज स्लीपिंग पीसफुली, डोंट वरी एट ऑल. कम 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 इन, लेट मी सी. रॉबर्ट का शर्ट तुम पे कितना सूट करता है ना. ओह रियली, थैंक यू रोजी आंटी. व्हाट इज दिस, क्या हुआ तुमको? ये वो मस्कीटो बाइट होएगा. There are so many mosquitoes here. इतने बहुत मच्छर है. Be careful ना, थोड़ा ख्याल करो. अच्छा तुम्हारे जाने का क्या हुआ? वो फाइनल हो गया है, इस मंथ के एंड में कमरा खाली कर दूंगा. Oh, I'll miss you. I'll miss you more. Stay in touch, हाँ? हाँ, तुमने मेरा काम किया? तुमने उसको पूछा? जी रोजी आंटी, मैंने उससे पूछा था. वो कह रहा है कि मुझे मामा की चॉइस कबूल है. मगर हमको लगता है उसका मर्जी कहीं और है. मर्जी को छोड़े रोजी आंटी, अगर वो किसी और को पसंद करता भी था तो उससे शादी मुमकिन नहीं. क्यों मुमकिन नहीं? इज माय ओनली सन, जिधर बोलेगा मैं उधर शादी करूंगी. आपने पूछने का कहा, मैंने पूछ लिया ना. इफ यू से सो, इफ ही इज हैप्पी देन आई एम हैप्पी. अच्छा थैंक यू. हाँ तुमने मेरा काम किया ना, इसी खुशी में मैं तुमको तुम्हारा फेवरेट प्लम केक खिलाऊंगी. तुम अपना फ्रेंड का वेडिंग अटेंड करके जाता तो अच्छा था ना. अरे तुम अभी तक नहीं गया? आज तो तुम्हारा स्पेशल मीटिंग था ना. मामा लेट हो गया, आंख नहीं खुली. हाँ जब तुम पूरी पूरी नाइट जागेगा अपना फ्रेंड के साथ तो आंख कैसे खुलेगा. हम बताया ना मूवी देख रहे थे. हाँ मूवी, रोज मूवी, रोज गोइंग आउट, समथिंग दिस समथिंग दैट. सिगरेट का पैकेट मैंने फेंक दिया है, एज प्रॉमिस. आप बिल्कुल ठीक कहती थी, इंसान के बस में जो चीज़ है उसे ख़त्म करना नामुमकिन तो नहीं. एक बुरी आदत है, एक चॉइस, कोई फितरत तो नहीं. रॉबर्ट तुम ठीक हो? आप खुश हैं? मैं चलता हूँ. ये देखो इनका रूम, एक चीज इधर है एक चीज उधर है. इतनी बार बोला रॉबर्ट मेक योर बेड, कुछ नहीं. ये देखो अभी मामा गिरेगा तो फिर कहेगा मामा व्हाट यू डूइंग व्हाट यू डूइंग. ये डस्टबिन देखो, ये भी मैं इनको सिखाएगा. बॉटल फेंका, कचरा भी मामा फेंकेगा. अगर वो किसी और को पसंद करता भी था तो उससे शादी मुमकिन नहीं थी. इंसान के बस में जो चीज़ है उसे ख़त्म करना नामुमकिन तो नहीं. एक बुरी आदत है, एक चॉइस, कोई फितरत तो नहीं. हेलो लिसन क्रिस्टीन, तुम उन लोग को मना कर दो, वो लड़की रॉबर्ट को डिजर्व नहीं करती.
तुमने मेरा काम किया ना, इसी खुशी में मैं तुमको तुम्हारा फेवरेट प्लम केक खिलाऊंगी।